नमस्कार, मैं साक्षी अहमद असलाम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। सूरत में मरने वाले छात्रों की संख्या हुई 23। पूरे गुजरात में कोचिंग सेंटरों पर रोक। सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में लगी आग की घटना में मरने वालों छात्रों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी शनिवार को घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बिल्डर और भवन मालिक फरार है। घटना से हिली गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में वाणिज्यिक भवनों में चलने वाले कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के 8 नगर निगमों और अन्य नगर पालिकाओं ने वाणिज्यिक भवनों में चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों में आग से सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करने के आदेश दिए हैं। इन मानकों के पूरा होने तक सभी कोचिंग सेंटरों के संचालन पर रोक लगी रहेगी। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न शहरों और कस्बों में स्थित कोचिंग सेंटरों, निजी अस्पतालों और अन्य इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है। अब तक अहमदाबाद में 700 स्थलों की जांच की गई, जिनमें से 300 स्थलों पर अग्नि सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं पाई गई। सरकार ने विभिन्न इमारतों में अग्नि सुरक्षा की जांच और नए नियम बनाने के लिए सोमवार को जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक भी बनाई है। के साथ ही पुलिस ने तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में चलने वाली आर्ट एवर ड्राइंग कोचिंग के संचालक भार्गव पुटानी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरत पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने बताया कि तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के बिल्डर और भवन मालिक हेतुल वेडिया और जिग्नेश पगडालू के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आग की घटना की जिम्मेदारी बिजली बोर्ड यह सरेआम खुले में बॉक्स लगाकर उनकी सुरक्षा के कोई उपाय और रखरखाव नहीं करता। सूरत फायर ब्रिगेड इसने जरूरी फायर सेफ्टी के बिना इस अवे सेंटर को चलने दिया। शिक्षा विभाग इसने अहमदाबाद में परिमल गार्डन में इसी तरह चौथी मंजिल पर आग की घटना के बावजूद ऐसे स्थलों की सुरक्षा जांच में ढिलाई बरती। सूरत महानगर पालिका इसने अवे चौथी मंजिल पर प्लास्टिक का शेड लगाने की अनुमति दी। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।